अब दिव्यम को नहीं बचाया जा सकता। तुम क्या बोल रही हो नियति? तुमने जन्म जी को डसा था ना, तो तुम जहर वापस ले सकती हो। ले लो ना उनका जहर वापस, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। क्या लगता है अब दिव्यन जिंदा हो पाएगा कि नहीं? देखो, एक नागिन इंसान को डस सकती है लेकिन अपना जहर वापस नहीं ले सकती। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। क्या मतलब नहीं थी? तुम अपना जहर वापस नहीं ले सकती। अरे तुम्हारे जहर का कोई इलाज, कोई तो तोड़ होगा ना, कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे दिव्यन जी के शरीर से जहर निकाल सकते। तुम्हारी गलती की सजा हमारे दिव्यन जी भुगतेंगे। तुम उन्हें ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते नियति, तुम्हें कुछ करना होगा। तुम लो उनका जहर वापस। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो राधिका, मेरे पास इस जहर का तोड़ नहीं है। आज नहीं तो कल ये मर जाएगा। नागिन के जहर का इलाज सिर्फ भोलेनाथ के पास ही है। हाँ, एक बार सपेरे ने कहा था कि नागिन के जहर का इलाज सिर्फ और सिर्फ शिव जी के पास है। देखो भोले बाबा कुछ कर सकते हैं कि नहीं। क्या दिव्यम फिर से जिंदा हो पाएगा? वही दिव्यम को जीवित कर पाएंगे। बाकी संसार में इच्छाधारी नागिन के जहर का कोई तोड़ नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? अब जो हम भोलेनाथ इस मूर्ति में से निकल कर बाहर आएंगे और हमारे बच्चे को जिंदा करेंगे। सही कहते हैं कि सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, उसकी फितरत होती है डसना। अरे हमारे बच्चे ने तो तुम्हारी जान बचाई थी ना, आज उसी दिन तुमको मार दिया होता तो आज हमारे बुढ़ा की ये हालत नहीं होती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलतफहमी की शिकार हो गई थी। मैं दिव्यम को नहीं बचा पाऊंगी।